नमस्कार, मैं हूं दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव। आज छोटा नागपुर लाइव की टीम जो है जमशेदपुर पहुंची हुई है। जमशेदपुर की तापमान आज सातवें आसमान पर है क्योंकि नॉमिनेशन का दौर शुरू हो चुका है और आज दूसरा दिन है। और आज जो है बीजेपी की ओर से जो है विद्युत प्रण महतो जी अपना नॉमिनेशन करवाएंगे। उससे पूर्व जो है एक नॉमिनेशन सभा का आयोजन किया गया है राजेंद्र विद्यालय के समीप बोध विहार मैदान में। तो यही मैदान का आपको नजारा दिखा रहे हैं। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। तो इसी के साथ यहाँ पे जो तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं उनमें क्या कुछ उत्सुकता है इस बार के चुनाव को लेकर, इस बार चुनाव में क्या कुछ देखते हैं। एक तरह जेएमएम के प्रत्याशी जो है समीर मोहंती जी हैं, एक तरफ बीजेपी की ओर से जो है अनुभवी कहे दो बार जीत चुके हैं जो सिकंदर कहे आपका विदुरण महतो जी हैं। इस बार का चुनाव क्या कुछ रहेगा या फिर वही उत्साहीन रहेगी और बीजेपी सरकार ही रहेगी? देखिए, इस बार पूरा देश उत्साहित है कि इस बार अब की बार 400 पार करने का है। 400 पार का नारा इसलिए है कि भाजपा 370 जो बोलती वो करती है। भाजपा सरकार ने 370 बोली थी कि कश्मीर से 370 हटाना है, एक देश में दो विधान नहीं चलने देंगे। जो अंबेडकर जी को हम लोग मानते हैं, उनके आइडियोलॉजी को जो मानते हैं, जो हमारे अंबेडकर साहब ने बनाया था, एक देश में एक संविधान, एक विधान, एक निशान, उसी को मानते हैं। हम लोग धारा 370 को हटाने का काम किया और राम मंदिर का जो हम लोग नारा दिया था, जो हमारे हिंदू का आस्था का विषय है, उसमें सभी भाइयों ने, सभी धर्म के लोगों ने खुशी होकर अपनी इच्छा जाहिर की, फूलों की वर्षा की और राम मंदिर का निर्माण हो गया। तो इस बार क्या लगता है जमशेदपुर में विद्युतरण महतो जी जो है उनको जो है जीत किससे हासिल होगी? जो मोदी जी के कार्यकाल रहा, जो उन्होंने बड़े बड़े जो काम किए उसे देखकर लोग वोट करेंगे या फिर जमशेदपुर में क्या कुछ विकास हुआ उसे देखकर वोट करेंगे? निश्चित रूप से ये हैट्रिक करेंगे विद्युतरण महतो जी, उनका ये तीसरा कार्यकाल भी उन्हें हासिल होगा। और जिस तरह से जो शहर को कनेक्टिविटी हमारे जमशेदपुर लोकसभा के लिए किए हैं, जो ट्रेन का, सड़कों का जो जाल बिछा है, ये कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की सरकार में ही संभव हो पाया है। ज़्यादा से ज़्यादा जिस तरह से भरोसा जताया है भारतीय जनता पार्टी ने विद्युतरण महतो पे तीसरी बार, कहीं ना कहीं उनके कर्मों को देखकर, जैसे कि धलमुंगगढ़ में एयरपोर्ट का मामला हो, नेशनल हाईवे जो लंबे समय से लटका हो तो उसको लाने का काम किए, तरह तरह के, और ट्रेन का जो ठहराव हमारे जमशेदपुर स्टेशन में हो रहा, टाटानगर जंक्शन में हो पा रहा, ये खाली उन्हीं का देन है। उनका लगातार जो मेहनत किए हैं लोकसभा के लोगों के लिए, आदिवासी मूलवासी समुदाय के लिए, सभी वर्गों के लिए जो मेहनत के विद्युतरण महतो, उन्हीं का परिणाम है कि आज उन्हें तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी उन पर भरोसा जताया, टिकट दिया। और हमें पूरा उम्मीद है कि जमशेदपुर लोकसभा के जो मतदाता हैं वो भी उन्हें भारी से भारी मतों से जीत दिलाने का काम करेंगे और 400 पार करेंगे। तो इस बार जो मोदी सरकार 400 की पार बता रही है, अब की बार 400 की पार, अब की बार 400 की पार, क्या 400 की पार जो बता, जैसे विपक्ष बता रही कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 रुपया पेट्रोल की पार, महंगाई होगी अब की बार जो है, ये आरोप है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी एकमात्र नेता और एकमात्र दल है जो राम और विकास दोनों को एक साथ लेकर चल सकता है। आज 550 साल वर्षों के उपरांत लाखों लोगों ने अपनी प्राणों का आहुतियाँ दी। हमें राम भी चाहिए, हमें विकास भी चाहिए, हमें गरीबों के लिए रोटी भी चाहिए, हमें लड़ाकू अपना विमान भी चाहिए, हमें मिसाइल भी चाहिए, हमें खेतों में किसानों का पानी भी चाहिए, हमें शौचालय भी चाहिए, हमें हर कुछ चाहिए। आज का भारत विश्व नेता नरेंद्र मोदी का भारत है, जो कि विश्व में ऐसा नेता ना हुआ है ना होगा। तो निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि आज 400 पार नहीं 500 पार की बात होनी चाहिए। यदि हम नरेंद्र मोदी को उनके कामे के अनुरूप तौलते हैं तो 500 पार भी कम है। 543 सीटों में 543 सीट मिलना चाहिए, ऐसा कोई काम नहीं है जो उन्होंने नहीं किया है। लेकिन चूंकि हम लोग एक लोकतांत्रिक पार्टी है, इसलिए 400 की बात करें कि विपक्ष में रहना चाहिए। आज एक ही पार्टी है जो राम और विकास दोनों को साथ लेकर चल सकती है। आप कहीं भी पता लगा लीजिए, पूरे विश्व में कहीं भी समाज में खड़े अंतिम व्यक्ति का आंसू पोंछना हो, भारत को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना हो, भारत को सैनिक दृष्टिकोण से मजबूत बनाना हो, सिर्फ एक नेता और एक दल ही कर सकता है, वो है भाजपा और नरेंद्र मोदी। तो इसी तरह आप देख रहे हैं कि जो है यहाँ पे हजारों कार्यकर्ता, हम कहें कि 2000 के आसपास की भीड़ यहाँ बैठी हुई है और साथ में जो है लगातार सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता जुट रहे हैं। तो वाकई में और जिस तरह कार्यकर्ताओं में उत्सुकता है, जिस तरह जो है आवाज बुलंद कर रहे हैं, आज की तापमान जो है सातवें आसमान में जरूर पहुंचने वाली है। गर्मी जिस तरह बढ़ते जा रही है, लेकिन आज की गर्मी जमशेदपुर में बहुत ज्यादा ही तपिश रहने वाली है। तो इसी के साथ हम लगातार जनताओं से जुड़ रहे हैं, दादा से भी सवाल करने के प्रयास करेंगे। दादा, लोकतंत्र की हत्या करने के आरोप लगा रही है विपक्ष बीजेपी सरकार पर, क्या कहेंगे? कह रही कि संविधान खत्म कर देंगे इस बार, जाएगा संविधान खत्म हो जाएगा, पास कोई मुद्दा ही नहीं है। वो लोग खुद संविधान को खत्म करने में तुला हुआ है,
और मोदी जी को वीडियो फेक वीडियो बना करके मोदी जी और अमित शाह को बदनाम करने में लगा हुआ है। वो लोग का मनता कभी पूरा होने वाला नहीं है। और आदमी जो बोलता है महंगाई, मेरे लिए कोई महंगाई नहीं है। आदमी 2000 के दारू इंग्लिश दारू पी करके बाथरूम कर देता है, मगर 100 रुपये का पेट्रोल जलाने में आदमी रोता है। और मेरे लिए कोई महंगाई नहीं है। और मेरा मोदी जी जब से आए मेरा देश इतना आगे बढ़ गया कि जो काम 80 साल में नहीं हुआ मोदी जी 10 साल में करके दिखा दिए। और हमारे आदरणीय विद्युत महतो जी का विजय सुनिश्चित हम लोग कर रहे हैं। अरे 5 लाख वोट तक जीतेंगे हमारे विद्युत महतो जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लगातार विपक्ष की बात करें तो लगातार विपक्ष निशाना साधते हुए पूछ रही है, कोस रही है बीजेपी सरकार को जो है कि आदिवासी विरोधी है। बीजेपी सरकार आदिवासियों के अपमान करती है। जिस तरह नया संसद भवन बना लेकिन उसमें द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया गया, तो क्या कहीं ये अपमान तो नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, देश में सभी का सम्मान हो रहा है। पहली बार तो आदिवासी राष्ट्रपति बनी है, ये हम लोगों का सौभाग्य है कि मोदी सरकार ने दलित को, आदिवासी को, मुस्लिम समुदाय को, सभी को सम्मान दिया है। मुस्लिम समुदाय से कलाम जी को राष्ट्रपति बनाया, आदिवासी समाज से द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया, कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाया। और क्या मिसाल दे सकते हैं? काम करने की बात है, 370-35 से सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, और क्या चाहिए? विपक्ष के बाद कोई मुद्दा नहीं रह गया है, वो निस्तनाबूत हो जाएगा इस चुनाव के बाद और मोदी जी 400 पार करेंगे। तो इसी के साथ आप आज बीजेपी के नॉमिनेशन सभा से आप मुझे देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव से, और हमारे साथ बीजेपी जो है मंडल अध्यक्ष जुड़ रहे हैं। मंडल अध्यक्ष कहेंगे अच्छा, प्रदेश प्रवक्ता जो है ओबीसी मोर्चा के जो है, सीधा सवाल आपसे करेंगे। ओबीसी मोर्चा से जुड़े हुए हैं, सीधा सवाल ओबीसी से ही रहेगा। जो साउथ से एक वीडियो वायरल हो रही है, जो तमिलनाडु से एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें अमित शाह का बताया जा रहा है, अमित शाह जी बोल रहे हैं स्टेज से कि अब इस बार 400 की पार होती है तो ओबीसी एसटी एससी की रिजर्वेशन खत्म हो जाएगी, इस पर क्या कहेंगे? ये गलत प्रोपेगेंडा कांग्रेस की तरफ से फैलाया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के सरकार में ओबीसी और एसटी एससी का जो मान सम्मान बढ़ा है, वो देश में नेतृत्व क्षमता बढ़ा है, ये ओबीसी और एसटी एससी भूल नहीं सकता। ये इंडिया अलायंस का जो मामला है कि वो इस तरह से प्रोपेगेंडा फैला करके और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का काम कर रही है, लेकिन भारतीय देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र भाई मोदी ने ओबीसी और एसटी एससी को मान सम्मान देने का काम किया। चाहे वो 27% कैबिनेट मंत्री का दर्जा हो, चाहे वो नेट में परीक्षा का मामला हो, चाहे वो आरक्षण का मामला हो, चाहे एसटी एससी का मामला हो, सब में वो बढ़त दिया है इस समाज के लोगों को, नेतृत्व दिया है इस समाज के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्वकर्ताओं ने। क्या नाम हो आपका? सोनू ठाकुर, प्रदेश प्रवक्ता ओबीसी मोर्चा। तो इसी के साथ आप देख रहे थे छोटा नागपुर लाइव से, मुझे सहयोगी दीपक महतो के साथ दशरथ प्रधान छोटा नागपुर लाइव।